ये मैंने बेसन लिया है, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। एक्चुअली आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर, तो पनीर में थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ाने के लिए मैं बेसन भूनूंगी। तो ये है थोड़ा सा बेसन और इसको मैं थोड़ा सा कढ़ाई में भूंज लेती हूँ इसको। और मैंने ये 250 ग्राम पनीर लिया है, तो सोचा कि क्या ही बनाऊं, तो 250 ग्राम पनीर की मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। 250 ग्राम पनीर का उसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। लाल मिर्च, ये मेरा सूखा है, मोटा वाला लाल मिर्च है। ये जो क्यूब्स काट रखे मैंने पनीर के, मैं इसमें डालूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको करेंगे, मीडियम फ्लेम। इधर मैं अपना ये बेसन निकाल लेती हूँ। अभी तेल गर्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जो अपने हम मैंने अभी मसाले आपको दिखाए हैं, मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी। ये मैंने जो पनीर रखा हुआ है ना उसको भी मैं चला रही हूँ, वरना ये नीचे से लग जाएगा तो पनीर जलने लगेगा। मैंने इसमें कटा हुआ जो प्याज था, बारीक कटा हुआ, मैंने इसमें डाल दिया ये, और इसको थोड़ी देर तक जब तक ब्राउन हो जाता तब तक इसको भून लेती हूँ कि ये कहीं लग ना जाए। गाइस कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें मुझे। मैं और दो टमाटर भी डाल लूँगी और इसको थोड़ा सा मैं पीस ले रही हूँ मिक्सी में। प्याज जो है हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, थोड़ा सा और ब्राउन होने देते हैं तब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। पनीर भी हल्के हल्के रेड ब्राउनिश हो चुके हैं तो मैंने गैस जो है बंद कर दिया। अब ये देखिए गाइस, यम्मी, ऐसा लग रहा है मैं अभी खा लूँ। गाइस मैंने मसाले निकाल लिए हैं, ये है पीसी धनिया 2 चम्मच निकाली है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला, और ये मेरे पास थोड़ा सा शाही पनीर मसाला पड़ा हुआ था तो मैंने उसको भी डाल दिया है, और ये पिसा नमक है। अब मैं इसको जो ये मेरा रेड हो गया है ब्राउन, इसमें डालने वाली जा रही हूँ, और इसको मैं चला लेती हूँ। गाइस मैंने टमाटर जो पीसा था वो भी इसमें मिक्स कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें कढ़ाई में डाल दूंगी। वो कश्मीरी लाल मिर्च डालने, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जो पहले डालना भूल गई थी तो अभी डाल देती हूँ। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा डाल दिया है, इसको भी चला लेती हूँ। इसका टेक्सचर जो ग्रेवी का कलर है बहुत अच्छा आया है, इसको थोड़ी देर भूनने देती हूँ मैं। और साथ में मैंने जो बेसन भुना हुआ था इसको भी मैं डाल देती हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ भून जाएंगी, और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करूंगी भी ताकि जो मसाला हमारा जले नहीं। इसको थोड़ी देर भूनने देती हूँ। मैं इसमें डाल दूंगी कस्तूरी मेथी, इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे रगड़ के तब डालना है। बेसन डाल के पानी डाल के इसको थाली बंद कर दी, अभी इसमें थोड़ा सा पकने देते हैं। इसमें डालने जा रही हूँ ये पनीर, क्योंकि मेरी जो ग्रेवी है वो पक चुकी है और इसमें खोल आ गया है। अभी ये धीरे धीरे के सारे पनीर, अभी पकी नहीं है, अब इसमें थोड़ा सा और भी इसको पकाना पड़ेगा जो मैंने पनीर डाला। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक देती हूँ प्लेट से और ये पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं बना लेती हूँ रायता बूंदी का, वो जो गर्मियों में सबको बहुत ही ज़रूरत होती है, रायता सबको खाना चाहिए गर्मी में। ये देखिएगा इसमें बूंदी का रायता बना रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है छाछ और थोड़ा दही और बूंदी, और इसमें डालूंगी जीरा पाउडर, काला नमक, वो काली मिर्च का पाउडर। जो जीरा पाउडर मैंने रायते का मसाला ही बनाया है वो मैंने घर में बनाया था, उसमें जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च को भूंज लिया और पीस लिया, उसका रायते का मसाला। रायते में अगर मसाला वगैरह डाल दिया है तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है।
और इधर मेरा चावल भी पक चुका है, मैंने भगोने में चढ़ा दिया था, एक तरफ चावल और एक तरफ पनीर। और इधर मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी। तो बन चुकी है गाइस मेरी पनीर की गर्मा गर्म सब्जी, और हम लोग अब खाने जा रहे हैं खाना। इसके साथ मैंने बनाया चावल रोटी रायता, और खाने में है पनीर की सब्जी, रायता, प्याज, रोटी। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैं जा रही हूँ अपने घर का फर्नीचर्स लेने। एक्चुअली हमारे घर में भी बेड नहीं है, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं थोड़ा फर्नीचर्स देखने। अब देखते हैं मेरे हस्बैंड मुझे कहाँ लेके चलते हैं फर्नीचर्स के लिए। तो चलिए चलते हैं आपसे, हम मिलते हैं वहीं पर फर्नीचर्स की शॉप पर। अभी हम लोग का जो ऑटो था उसमें भर रहे हैं पेट्रोल डीजल जो भी भरना, CNG। और अभी CNG भर जाएगा तो फिर हम लोग बैठ के जाएंगे, और उनको उतार दिया बीच में। मैं आ चुकी हूँ फर्नीचर की शॉप पर, काफी अच्छे फर्नीचर्स दिख रहे हैं। चलिए चलते हैं भैया जो बताते हैं। सारी सब यहाँ पे फर्नीचर्स की दुकानें हैं, ये मंदिर, ये सोफे, ये बेड, सारी। ये सारी बेड वगैरह, ये मुखी वाला है, ये ऊपर वाला कार्य कर रहा है, ये स्टेशन है, कमर्शियल बोर्ड होता है। ये सब सारी कुर्सियां वगैरह बना रहे हैं सारे लोग, फर्नीचर्स वगैरह का भी काम हो रहा है यहाँ पर। और हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए। ये है डाइनिंग टेबल, ये है सोफे, काफी अच्छे लग रहे हैं, और ये है बैट, ये लाइन से पूरे लगे। काफी अच्छी अच्छी बेड दिख रहे हैं अभी तो यहाँ पर। कैसे पड़ेगा भाई, कौन सा ये 30,000 घर ज्यादा भी 19 mm ऊपर होगा, 12 mm तलिया में होगा। बेस जो रहेगा वो साल की लकड़ करेगा, 10 ईयर मैनुफैक्चरिंग वारंटी है। जैसे श्रिंक होता है, आवाज़ आती है लेटने बैठने को, इस चीज़ को कम आइट की आपकी 10 ईयर कवर हो जाता है। बाकी तो बैड वैसे ही बन रहा है जैसे पहले, इसमें कोई
काफी अच्छी अच्छी बोर्ड ले सकते हैं, चार दिन पांच दिन में ही आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बनता हुआ देखना चाहेंगे, बनता हुआ दिखा देंगे। ये 15,000 का है ये वाला? वो तो सेम ही रेट होंगे। अच्छा, 32,000 के आसपास ना, ये 32,000 के आसपास। Gracias.